आई गॉट अ चांस टू एक्चुअली स्पीक टू दिस. मैं हर साल आती हूँ. वुमेन्स बिजनेस एसोसिएशन हमारी इन अ वे फैमिली का ही है. वे आर पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. वी कम हियर एवरी ईयर टुगेदर. वी हम अपने मन से एक निष्ठा भाव से चाहते हैं कि हम बौद्ध धर्म को उनके प्रिंसिपल्स को उनकी जीवनी से कुछ शिक्षा कुछ ज्ञान कुछ यहाँ से लेके जाएं टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ ताकि हमारे जीवन में भी वही शुद्धि आए हमारे जीवन में भी वही ज्ञान आए और हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ें. आई वॉन्ट टू जस्ट शेयर अ लिटिल बिट ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड माई फाइंडिंग्स. मैंने जब अपने फादर से रिक्वेस्ट किया कि कैन आई स्पीक ऑन बुद्ध पूर्णिमा तो मुझे पूछे कि व्हाट डू यू वांट टू स्पीक व्हाट डू यू वांट टू से क्या बनना चाहती. मैंने कहा मैं बुद्धिज्म और साइंस का एक कनेक्शन बताना चाहती. जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया गूगल पे तो बहुत तरह तरह के लॉट ऑफ पीपल हैव सेड लॉट ऑफ थिंग्स. लेकिन दो चीज़ें मुझे मिली जो मुझे खास करके बहुत इंटरेस्टिंग लगी एंड आई वुड लाइक टू जस्ट शेयर देम विद यू. One was just a small, एक छोटा सा quotation है. एक gentleman है ऐसे में गोयनका जी, he is no more. आपने विपसना meditation के बारे में सुना है? तो जितने भी विपसना के पकोड़ा बनाए गए हैं इंडिया में, especially the one in Bombay, ऐसे में गोयनका जी was the one behind it. He was also a Buddhist teacher. And वो कहते हैं कि बुद्ध धर्म is, and I quote, a pure science of mind and matter. एक और Zen master थे, उनका नाम है, मैं sorry बोलती हूँ अगर मेरी pronunciation सही नहीं है, लेकिन एक Zen master थे, Thich Nhat Hanh. वो कहते हैं कि बुद्धिज्म में दो तरह के सत्य होते हैं, there are two kinds of truths. Of course, हम जिस भी दृष्टि से देखें तो बुद्धिज्म में बहुत आप गिनती कर सकते हो, four noble truths हैं, eightfold path है, so this is just एक नजरिया. कहते हैं कि एक है conventional truth. जिसको बोलते हैं समृद्धि सत्य और दूसरा है अल्टीमेट ट्रूथ जो है परमार्थ सत्य. अब कन्वेंशनल ट्रूथ में जो बुद्धिज्म की नॉलेज है वो हमको ऑपोजिट्स के बारे में बताता है, होना ना होना, जीवन मृत्यु, आना जाना, अंदर बाहर, खड़े होना बैठना, उठना जगना एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो आर लाइफ विच इज हमारे जीवन में जो ऑपोजिट्स हैं ये नॉलेज पूछता है. इसमें टीचिंग और प्रैक्टिसेस हमको बताती हैं कि हम अपनी लाइफ से सफरिंग कैसे निकालें, हम हार्मनी कैसे लेकर आए, हम शांति कैसे लेकर आए, हाउ डू वी फाइंड दैट बैलेंस. द अदर ट्रूथ व्हिच इज द अल्टीमेट ट्रूथ वो कन्वेंशनल ट्रूथ के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा परे है. उसमें जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो हमको प्रैक्टिशनर्स को समझाती हैं कि आप डिस्क्रिमिनेशन से, भय से, फियर, hatred, envy, jealousy, इन सब भावनाओं से आप मुक्त कैसे हो सकते हैं. ये मार्ग है अल्टीमेट ट्रूथ का जिससे आप पूर्ण तरह से निर्वाण की ओर जा सकते हैं जो गौतम बुद्ध जी ने भी प्राप्त किया. अब ये सब तो हमको आप नेट पे जाओ आप बुद्धिज्म की किताबें पढ़ो, मैंने भी पढ़ी है, ये सब हमको इनकी ही नॉलेज से मिल रहा है. लेकिन क्वेश्चन ये अराइज करता है कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको वो ब्रह्म ज्ञान हुआ. बट इट ही डू हमको जितना पता है कि गौतम बुद्ध जी ही वाज अ प्रिंस. वो अपने महल से निकले, उन्होंने तीन अवस्थाएं देखी, ओल्ड एज, सफरिंग एंड डेथ, एंड समथिंग स्ट्रक इन हिम, उनके अंदर कुछ जागृत हुआ और उन्होंने सोचा कि मुझे अपनी स्वयं की खोज करनी है. वो बैठे समाधि में बैठे और उनको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ. एक्चुअली बुद्धिज्म में भी देयर आर टू स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म हम सब जानते हैं. एक कहते हैं कि वो एक मनुष्य थे, उन्होंने बड़ी तपस्या से निर्वाण प्राप्त किए. दूसरा स्कूल कहता है कि नहीं वो भगवान थे, हमें उनको पूछना चाहिए. एक कहता है कि उनको हमें उनके प्रिंसिपल्स फॉलो करना चाहिए. दूसरा कहता है कि हमें उनके भगवान मानना चाहिए. अब कौन सा सही है ये कभी कभी मन में अगर आपके प्रश्न आए तो इस दुविधा को मैं आज अपने एक्सपीरियंस से बताना चाह रही हूँ. They are both not dissimilar, they are the same. क्योंकि जो God gifted knowledge जो होती है, God given जो power होती है, वो हम सबके अंदर है. Ultimate truths का जो seed है, जो बीज है, वो हमारे अंदर हमारी कुंडलिनी में ही होता है, हमारे रूप चक्र में, हमारे मूलाधार चक्र में होता है. लेकिन जब हम जन्म लेते हैं वो सुषुप्त अवस्था में होता है, सोई
जानकर और उसको एक डायरेक्शन देने से, जिस तरह से इन्हें आत्मबोध आत्मज्ञान का बोध हुआ था, हमें भी हो सकता है। गौतम बुद्ध ने अपनी साधना से, अपनी तपस्या से, अपनी कुंडलिनी को आज्ञा चक्र तक लाकर ही उनको आत्मज्ञान हुआ कि मैं कौन हूँ। उसके बाद ही उन्होंने गया छोड़ के सारनाथ आए और उन्होंने प्रवचन दिया। He started making followers and sharing his knowledge with people। आत्मज्ञान का होने के बाद ही वो बोधिसत्व कहलाए। और ऐसी खोज मुझे भी थी अपने लाइफ में कि अल्टीमेट ट्रूथ एक्चुअली है क्या। मुझे बहुत साल लगे, 13-14 साल लगे, बहुत भटका, बहुत रास्ता गवाया, गलत लोगों के पास गई, बहुत एक्सेट्रा एक्सेट्रा हुआ, मुझे अपना रास्ता मिला। अगर आपके मन में भी कभी भी अल्टीमेट ट्रूथ को जानने की थोड़ी सी भी जिज्ञासा है तो मैं आपने सिर्फ इतना ही शेयर करूँगी। मैं ये नहीं बताऊँगी आप कहाँ जाइए, लेकिन उस चीज़ को, उस खोज को एक संकल्पित दृष्टि से आप निरंतर खोजते चले जाइए, आपको भी रास्ता ज़रूर मिलेगा। एंड इतना ही कहूँगी कि वो अल्टीमेट ट्रूथ को पाने के दो तरीके मुझे समझ में आए हैं और उधर बुद्धिज्म की नॉलेज से मुझे भी समझ में आया कि इट्स द सेम थिंग। एक है एक प्रश्न कि मैं कौन हूँ और मेरा पर्पस क्या है, हू एम आई, ये जानना। और दूसरा ये जानना कि हमारे अंदर जो गॉड गिफ्टेड, जो भगवान का भी दिव्य शक्ति हमारे अंदर है, उसको हम कैसे जगा सकते हैं, उसकी नॉलेज क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है। यदि ये आप जान लेंगे तो आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय में नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने कर्तव्यों के साथ, अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए